हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज जो मैं बताने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चैप्टर 2 मैन एंड कंप्यूटर। तो क्या है मैन और कंप्यूटर में डिफ्रेंशिएट, मैं बताने वाला हूँ काफ़ी कुछ आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर इज अ मशीन मेड बाय मैन एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम मैन, लेट्स सी हाउ। तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन होती है जो मैन के द्वारा बनाई गई, मतलब हम लोगों ने इसको विकसित किया है, और ये किस प्रकार से मैन से बिल्कुल अलग है, तो इसी के पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से, फ्रॉम द बिगिनिंग। आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से स्टार्टिंग क्या है देख लेते हैं। कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर जो परफॉर्म करता है फंक्शन ही वो बहुत ही स्पीड वे में करता है। पहला पॉइंट, इट डज नॉट मेक मिस्टेक। बिल्कुल भी गलती नहीं करता, बिल्कुल सही है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करता खुद से, ऑन इट्स ओन। जब तक हम लोग खुद गलती ना करें तब तक कंप्यूटर गलती नहीं करता। इट कैन वर्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड विदाउट गेटिंग टायर्ड। और ये काफी समय तक चलता रहता है बिना थके हुए। बिल्कुल सही है, बिना थके हुए चलता रहता है। इट इज फुली रिलेबल, मतलब बिल्कुल विश्वसनीय है, इसके ऊपर हम लोग विश्वास पूरी तरह से कर सकते हैं। इट कैन नॉट थिंक बट हैव शार्प मेमोरी। देखिए दिमाग बिल्कुल नहीं होता, सोच बिल्कुल नहीं पाता, बिल्कुल विचार नहीं बनते इसके दिमाग में, लेकिन इसके पास अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, वो भी शार्प मेमोरी। इट नेवर गेट्स बोर्ड विद वर्क। और ये कभी भी अपने कार्य से बोर नहीं होता, इसको चाहे आपको जितना भी कार्य दे दो ये आसानी से उसको कंप्लीट करता रहता है। बिल्कुल सही है। इट हैज जीरो आईक्यू, मतलब इसका जो आईक्यू लेवल होता है जीरो होता है। सोचिए हम लोग का आईक्यू लेवल बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा अच्छे, जितने हम लोग पढ़ने में अच्छे होंगे उतना आईक्यू लेवल अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर का आईक्यू लेवल बिल्कुल जीरो है, मतलब कंप्यूटर के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं, लेकिन इसके जो अपने अंदर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी वजह से ये इतने बेसिक्स परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली परफॉर्म कर लेता है। इट हैज नो फीलिंग, बिना किसी फीलिंग के साथ ये अपना कार्य कंप्लीट करता रहता है। कंप्यूटर कैन डू वेरी बिग कैलकुलेशंस, बहुत ही बड़ी बड़ी गणनाओं को ये लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर देते हैं, वेरी लेस टाइम विच अ ह्यूमन बींग कैन नॉट डू, जबकि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या दिया है। हेलो स्टूडेंट, देयर आर मेनी थिंग्स दैट ए कंप्यूटर कैन डू बट ए मैन कांट, लेट अस सी हाउ। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म कर लेता है लेकिन एक इंसान नहीं कर पाता। तो कौन कौन सी चीजें हैं चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला दिया है यहाँ पर, इसको देखते हैं। अ मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर जितना तेज कार्य कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ए मैन गेट्स टायर्ड आफ्टर सम टाइम, और जो इंसान होता है वो जल्द ही थक जाता है। बिल्कुल सही है। ए मैन गेट्स बोर्ड विद द सेम काइंड ऑफ वर्क। अगर कोई इंसान किसी एक ही कार्य को दिन भर करता रहे तो वो उस कार्य से बोर हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। ए मैन कैन मेक मिस्टेक, और जो इंसान होता है वो मिस्टेक कर सकता है, बट अ कंप्यूटर कांट डू सच अ। अगला, ए मैन थिंक एंड देन वर्क्स। एक मनुष्य पहले सोचता है कि किस प्रकार से उसको वो वर्क कंप्लीट करना है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। ए मैन वर्क्स ऑन हिज ओन, एक इंसान खुद से कार्य करता है, जबकि कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन डिफरेंट यूजिंग टास्क। ए मैन हैज आईक्यू पावर, और मैन के पास अपना खुद का आईक्यू पावर होता है। तो देखते हैं फैक्ट पॉइंट, देखते हैं क्या क्या है आज के इस वीडियो में फैक्ट ये। कंप्यूटर कैन वर्क फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय तक चल सकता है। कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं करता। कंप्यूटर नेवर फॉरगेट इंस्ट्रक्शन, कभी भी इंस्ट्रक्शन को भूलता नहीं है। कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट काइंड्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विद ग्रेटर एफिशिएंसी। और बाकी सब आप लोग समझ ही गए होंगे, हेल्प द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर एंड द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन। तो आप लोगों को समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पूरी तरह से समझ गए। आप कुछ एक्सरसाइजेस हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो भी मैं बता देता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर नेवर मेक्स, क्या नहीं बनाता, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करता। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर हैज अ वेरी गुड, क्या है गुड इसके पास, बिल्कुल सही, मेमोरी बिल्कुल सही है। कंप्यूटर नेवर गेट्स फॉरगेट्स द, क्या नहीं भूलता, कभी भी इंस्ट्रक्शन को नहीं भूलता। आप लोगों को मिल गया होगा आंसर कहां पे लिखा है। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड नहीं होता, बिल्कुल सही है। स्लीपी नहीं होता, बोर्ड नहीं होता, इसका मतलब ये आंसर की बजाय अगर आप लोग
ये लगाओ तो ज्यादा सही है। बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज ही होगा इसका आंसर। टेक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है। पहला देखते हैं, कंप्यूटर समटाइम्स फील टायर्ड। क्या कभी कभी टायर्ड फील करता है? नहीं, कभी भी नहीं फील करता है। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक, कभी भी मिस्टेक नहीं करता, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर वेस्ट आवर टाइम, कंप्यूटर हमारा टाइम वेस्ट करता है, बिल्कुल गलत है, जबकि हमारा समय कंप्यूटर बचाता है। अगला फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी चीज कहाँ पे भरनी है, ये सारे वर्ड दिए गए, आप लोगों को सही जगह पे करेक्ट वर्ड भरना है। कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाला जो शब्द है पहले नहीं भरना है। कंप्यूटर डज नॉट, क्या होगा? वेस्ट आवर टाइम, बिल्कुल सही है, वेस्ट वाला आप लोगों को भरना है। कंप्यूटर कैन कैलकुलेट एंड ड्रॉ पिक्चर्स, बिल्कुल सही। कंप्यूटर वर्क विद एफिशिएंसी, फोर्थ वाला बिल्कुल सही, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आप लोगों को अपने विवेक से करने हैं, अपने दिमाग से करने हैं। फाइंड द आंसर फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट बुक, आप लोगों को किताब में आंसर ढूंढने। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। राइट इन थ्री थिंग्स दैट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू, तीन चीजें बतानी जो कंप्यूटर कैन नॉट डू, कंप्यूटर नहीं कर सकता। दूसरा है राइट एनी थ्री डिफरेंसेस टेलिंग हाउ अ मैन इज बेटर, सॉरी हाउ अ मैन इज बेटर देन अ कंप्यूटर। कौन कौन सी ऐसी होगी जिससे आप लोग कह सकते हैं कि मैन इज बेटर देन अ कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड है राइट एनी थ्री पॉइंट टू शो दैट हाउ अ कंप्यूटर इज बेटर देन अ मैन। आप लोगों को तीन पॉइंट सजेस्ट करने हैं जिसमें आप लोग बताना है कंप्यूटर इज बेटर देन मैन। तो तीनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद एक्टिविटीज आप लोगों की बुक में है, आप लोग कर सकते हो। उम्मीद है पूरी वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख ली होगी, समझ में आ गई होगी। लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, वीडियो खत्म होती लाइक बटन जरूर प्रेस करें। और उसके बाद अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।